आज हम बनाएंगे आलू वड़ा स्वादिष्ट हेल्दी इंडियन रसोई में आपका बहुत स्वागत है। देखिए हमारे आलू वड़े कितने टेस्टी हैं। ऐसे आलू वड़े आप चाय के साथ बना के खाएं। आज आप आलू वड़े गरम गरम बना के खाइए और सबको खिलाइए। पहले हम आलू उबालेंगे, फिर उसके वो छिलके उतार देंगे। आलू के ऊपर धनिया डाल देंगे, बारीक हरी मिर्च काट के डाल देंगे उसके ऊपर। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, लाल मिर्च भी स्वाद अनुसार, खड़ी धनिया डालेंगे। अगर आप 2 मिनट में आलू उबालना चाहें तो उसकी भी विधि हमारे चैनल पे है। अब आधा चम्मच तेल लेंगे, उसमें राई और जीरा डालेंगे और मीठी नीम के पत्ते डालेंगे। अब हम आलू में तड़का लगाएंगे। आलू वड़े को हम चटनी से भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी ले सकते हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, उससे स्वाद आएगा और कलर भी आएगा। मैश करने के बाद इसकी हम टिक्कियां बनाएंगे। आप जो भी शेप दें वो बना सकते हैं। कोई पान जैसे बनाता है, कोई गोल बनाता है, कोई टिक्की जैसे बनाता है। अब हम बेसन का घोल बनाएंगे। उसमें 1 छोटा स्पून नमक और 1 छोटा स्पून मिर्ची लाल पानी डालकर उसका अच्छी तरह से घोल बनाएंगे। ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, पतला भी नहीं, उसको मीडियम रखना है। अब इसमें हम गरम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। आलू की टिक्की को बेसन में डुबो के उसके आलू वड़े बनाएंगे। अब हमारे आलू वड़े बन रहे हैं बढ़िया। ऐसे ही आप भी अपने आलू वड़े बना लें। गरम गरम आलू वड़े चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। अब हमारे आलू वड़े तैयार हो गए। आपको अच्छे लगे आलू वड़े तो जरूर लाइक करें। हमारे हेल्दी इंडियन रसोई को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना स्वादिष्ट लग रहा है।